नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस निवेदन के साथ कि अगर अभी तक किन्हीं कारणों से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। दिव्यांगजन के लिए यह साफ साफ है कि रिस्क से बचाने हेतु, साथ ही उनको पुनर्वासित करने हेतु कंटिन्यूअस प्रोसेस, इंटीग्रेटेड प्रोसेस, योजनाएं क्या क्या हैं, उस जिले विशेष की क्या योजना है, संख्या को ध्यान में रखते हुए ये सब करना होता है। लेकिन शायद कुछ जिलों ने हो सकता है बहुत बढ़िया किया हो, लेकिन कुछ जिले जो हमने देखे हैं मुझे तो वहां शून्य दिखाई पड़ा है। RPWD एक्ट की सेक्शन 8 को ठेंगा दिखाया गया है, कौन करेगा। मुझे याद है, मैं अगर अभी दिव्यांगजन का नाम लेना यहां शुरू करूं तो शायद फेहरिस्त लंबी होगी और वीडियो का समय कम पड़ जाएगा। उनको अवेयर तक करने वाला कोई नहीं मिला है अभी तक। कोविड में कैसे उनको बचना, क्या करना, कैसे करना। सक्षम के लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ और लोग कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने किन किन को इंगेज किया इस काम के लिए, कोई सूची नहीं है। रिकॉर्ड मांगने लगे तो वो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग या अन्य विभागों से सूची मंगवा के लाभार्थियों की उसी को दिखा दिए, साहब ये रिकॉर्ड है। यानी डेटा का जो कलेक्शन है उसमें भी भगवान भरोसे। दिव्यांगता की सुख कब हो जाएगी कुछ नहीं पता होता। अरे सेवा कार्य है, इस सेवा कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कानून तो मात्र एक रास्ता दिखाता है, बाकी सही बात यह है कि जो उस लोक सेवा में है ये उनको परम पुनीत अवसर मिला है सेवा का, फैसिलिटेटर होकर के उसके बियॉन्ड जाके बहुत कुछ कर सकते हैं, डिस्कशन होता है। लेकिन नहीं, आपदा में अवसर तलाशना है। सब कुछ सोशल मीडिया नहीं होता। भारत सरकार ने हेल्पलाइन चालू कर दिया, आपने देखा होगा मोबाइल एप्लीकेशन आ गई COVID-19 के लिए। असेसमेंट करिए, ब्लूटूथ थाम रखिए। लेकिन अगर आप देखिए तो जो हमारे ऐसे बंधु जो लोकोमोटर हैं, जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, चलिए वो तो अपनी बात बता देंगे, फोन पे बात कर लेंगे। लेकिन जो हमारे ऐसे साथी जो श्रवण बाधित हैं, मूक बधिर हैं या मानसिक मंदित हैं, वे अपनी बात फोन के माध्यम से कैसे कह पाएंगे। क्या इस पर कार्य नहीं होना चाहिए, क्या वो दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, मेरा जो फोकस होता है इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जितनी भी ऐसी नीति निर्धारक समितियां हैं वहां पर दिव्यांगजन जब तक नहीं होंगे तब तक ये ऐसे लालीपाप दिखा के काम खत्म हो जाएगा, धरातल पर लाभ नहीं पहुंचेगा। आयुक्त महोदय हैं, मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन महोदय हैं, ये काम उनको ही देखना है। अब इसमें बात हो सकती है, जितना ही बोल्ड आयुक्त दिव्यांगजन हो गए उतना ही अच्छा इंप्लीमेंटेशन होगा, जितना ही लीगल कॉन्सेप्ट अच्छा होगा उतना ही बढ़िया इंप्लीमेंटेशन होगा, उतना ही दिव्यांगजन को अच्छा लाभ मिलेगा। वरना कुछ ब्यूरोक्रेट्स तो ऐसे भी हैं जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नहीं डरते हैं, तो आयुक्त दिव्यांगजन से क्या डरेंगे। सोचिए, आज की बात यहीं तक। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कृपया इसको अपने तक ही मत रोके, आगे ही बढ़ाते रहें कृपया। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।